मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। इसी क्रम में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किस तरह की पूजा पद्धति का प्रयोग होगा, कौन कौन से अनुष्ठान होंगे, इन सभी विषयों को लेकर ट्रस्ट ने देश भर के विद्वानों से सलाह मांगी थी। हालांकि तीर्थ ट्रस्ट भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। शायद यही वजह है कि अब काशी से विद्वानों का एक दल अयोध्या पहुंच गया है, जिसकी अगुवाई प्रसिद्ध ज्योतिष वैज्ञानिक गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ कर रहे हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात कर अनुष्ठान के समय और पूजा पद्धति पर चर्चा की है। इतना ही नहीं, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर परिसर में किस जगह किया जाए, कहां कहां अनुष्ठान हो, इन सभी बिंदुओं पर स्थलीय निरीक्षण कर बारीकियों से चर्चा की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा पर क्या क्या विधि विधान होंगे, कौन कौन से धार्मिक पूजा पाठ होंगे, इसकी जितनी बारीक बातें देखी जा सकती हैं, बारीक बातों को देखकर निर्णय होगा। उन बारीक बातों को देखने के लिए कांची काम कोटी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बनारस से बहुत श्रेष्ठ विद्वानों को भेजा है। मैं उन्हीं के आदर सम्मान में यहाँ आया हूँ। हमारे बीच में बहुत ही वयोवृद्ध बैठे हैं गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, काशी में ज्योतिष के क्षेत्र में वो एक पहचान है। आज वो स्वयं हर चीज़ को देखेंगे, उनके साथ उनकी पूरी टोली आई है। जो कम आयु के लोग हैं दौड़ भाग कर सकते हैं। कर्मकांड के क्षेत्र के विद्वान श्रद्धेय लक्ष्मीकांत जी, वो भी वृद्ध आदमी हैं, उन्होंने भी अपने सब शिष्यों को भेजा है। तो एक एक चीज़ देखकर आना और फिर परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय करना, ये काम आज जितना संभव है वो हम करेंगे।